हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यू विल लर्न अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर आईआईटी जेई, एम्स, एआईपीएमटी एंड करंटली यू कैन से एनईईटी। सो इस रिएक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि इस रिएक्शन में होता क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म एंड देन फ्यू एग्जाम्पल्स। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले लेट अस सी इस रिएक्शन में होता क्या है। सो एज यू कैन सी, इसके अंदर दो यूनिट हमने लिए हैं फॉर्मेल्डिहाइड के। वी हैव टेकन टू यूनिट्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड में आप नोटिस कीजिए, देर आर जीरो अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन स्टूडेंट्स किसकी होती है? ये रिएक्शन होती है किसी एल्डिहाइड की जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। अब इसकी दो यूनिट जब आपस में रिएक्शन करती हैं, किस में रिएक्शन करती हैं? एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन करती हैं एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करती हैं। जैसी ही रिएक्शन होगी, दो प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे। पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो नोटिस कीजिए वो क्या है, वो है पोटेशियम फॉर्मेट, यानी एक एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो एक प्रोडक्ट तो हमारा बना है एसिड सॉल्ट। स्टूडेंट्स देखिए, दूसरा प्रोडक्ट जो बना वो कौन सा बना? ये प्रोडक्ट बना है मिथेनॉल। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का थोड़ा सा भी आइडिया है, तो एक नोटिस कीजिए, एसिड का सॉल्ट बना है, ये जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स ये होगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और जो दूसरा होगा जिसमें अल्कोहल बना है स्टूडेंट्स ये होगा रिडक्शन प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडेशन क्यों हुआ? क्योंकि तो एल्डिहाइड से एसिड का सॉल्ट बना है तो इट इज ऑक्सीडेशन, और अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बना है तो स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल यू कैन सी कि दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें एक का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है और दूसरा रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है। दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को कभी कभी डिसप्रोपोर्शनेशन भी बोला जाता है। नाउ लेट अस सी हाउ इट्स मैकेनिज्म गोज। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड को लिया। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करेंगे बेसिक मीडियम में OH- के साथ। अब ये जो OH- है, इसको तलाश किस चीज़ की है? डेल्टा पॉजिटिव की, जो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये OH- अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनना शुरू होगा। अब ये आप सभी को पता है कि एक नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? सी डबल बॉन्ड ओ विल ब्रेक। जैसे ये ब्रेक होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा ओ पे नेगेटिव आएगा, साथ में OH जो ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बना स्टूडेंट्स, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है। अब क्या होगा, अब ये जो इंटरमीडिएट बना आपको लेफ्ट में आपने जो देखा, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी स्टूडेंट्स? इसकी रिएक्शन होगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये जो पूरा स्पीसी है, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कैसे करेगा, क्या बनेगा, लेट अस सी। अब होगा क्या, ये जो कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा। तो ओ माइनस के पास दो रास्ते हैं, एक पॉसिबिलिटी होगी दिए ओ माइनस, ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली दे दे। पर अगर इसको ही इलेक्ट्रॉन पेयर डायरेक्टली देगा तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। तो ओ नेगेटिव यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगा स्टूडेंट, जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग करेगा इस सी ओ के बीच में बॉन्ड बनना चालू होगा। अब जैसे ही बॉन्ड बनेगा, एक पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, ये OH खुद निकल जाए। अगर OH निकल जाएगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी स्टूडेंट्स, और जो हमारा रिएक्टेंट था वही मिल जाएगा। पर बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, इसीलिए हमने OH- जो लिया है स्टूडेंट्स, ये क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई ली है, ताकि रिएक्शन किस में रहे, फॉरवर्ड में मूव करती रहे। तो इसीलिए यहाँ पे OH- रिमूव ना होते हुए यहाँ से कौन निकलेगा स्टूडेंट्स, H निकलेगा, और H निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H- की फॉर्म में। H ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकलेगा, और H- निकल के किसके पास जाएगा स्टूडेंट्स, इस कार्बन एटम के पास जाएगा, जिससे हाइड्रोजन में इस H- में और इस कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा, और ये पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स ब्रेक हो जाएगा। तो इस स्टेप में आपने नोटिस किया, H- जो है हाइड्राइड जो है स्टूडेंट्स, उसका माइग्रेशन, उसका ट्रांसफर हुआ है स्टूडेंट्स। जैसे ही ये प्रोसेस होगा, नोटिस कीजिए क्या बन गया, एच सी डबल बॉन्ड ओ OH बन गया है। एक तो बन चुका है एसिड, और स्टूडेंट दूसरा जो बना वो क्या बना, उसमें नोटिस कीजिए जो कार्बन है उस पर दो एच पहले से थे, एक एच नया आएगा और ओ पे क्या आएगा, माइनस, साथ में क्या होगा स्टूडेंट्स, के प्लस।
अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये एक तरह से क्या है, बेस है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच बीच में एक एसिड बेस रिएक्शन होगी। स्टूडेंट्स एसिड बेस रिएक्शन के दौरान ये एसिड अपना एच प्लस लूज करेगा स्टूडेंट्स, और ये एच प्लस को गेन करेगा। तो ओ माइनस जैसे ही इस एसिड के द्वारा ये एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा स्टूडेंट्स, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री ओ एच में, और यहाँ से एच प्लस लूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन का जो आरडीएस जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो कौन सा होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना इतना सिंपल नहीं होता स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स, उनसे आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। लेट अस से वी हैव टेकन पीएच सीएचओ, लेट अस से हमने यहाँ पे लिया है बेंजल्डिहाइड। स्टूडेंट्स बेंजल्डिहाइड के सामने गिवन है ओएच माइनस और साथ में दे रखा है हीट। तो ऐसे केस में यू कैन सी क्लियरली कि इस कार्बन के बगल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। जब जीरो अल्फा एच है और सामने बेस गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। अब इस केस में अगर हम इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बनेगा एसिड का सॉल्ट, यानी सी ओ एच ओ की बजाय यहाँ पे आएगा सी ओ ओ नेगेटिव। स्टूडेंट्स इसके साथ में अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा पी एच CH2OH में, यानी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक अपना ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाना है और दूसरा प्रोडक्ट जो बनाना है स्टूडेंट्स वो क्या बनाना है, रिडक्शन प्रोडक्ट को बनाना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स। मान लो हम यहाँ पे लेते हैं, एक तो लेते हैं एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और स्टूडेंट दूसरा हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। अगर हम ये लेते हैं और अब इसमें बेसिक मीडियम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में से एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। अब खुद ही इस बात का सोचिए, अब डाउट यही आता है स्टूडेंट्स को कि ओ एच माइनस किसको ऑक्सीडाइज करेगा और किसको रिड्यूस करेगा स्टूडेंट्स। तो खुद ही सोचिए ओ एच माइनस के अटैक करने के चांसेस किस पे ज़्यादा होंगे, फॉर्मेल्डिहाइड पे या बेंजल्डिहाइड पे। तो यू कैन सी फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा उसमें स्टेरिक क्राउडिंग भी क्या होगी, लेस होगी, साइज भी क्या होगा, लेस होगा, रिपल्शन होगा लेस, और डेल्टा प्लस की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से अटैक OH- का कहां होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड पे होगा। और जहां पे OH- अटैक करता है उसी का स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन होता है। अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो बेंजल्डिहाइड जो है उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, रिडक्शन होगा। तो पहले केस में जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है इसको आप ऑक्सीडाइज करके क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, इसको आप बना देंगे HCOO-, और जो ये PHCHO है स्टूडेंट्स इसको आप कन्वर्ट कर देंगे PHCH2OH में। तो नाउ लेट अस रिकॉल स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव लर्नड। कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम एक एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें कोई अल्फा एच अवेलेबल नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन होती है डिसप्रोपोर्शनेशन, जिसके अंदर एक यूनिट फॉर्मेल्डिहाइड की ऑक्सीडाइज होकर एसिड का सॉल्ट बनाती है और दूसरी यूनिट स्टूडेंट्स क्या बनाती है, एल्कोहल बनाती है। तो एक प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन बनता है, दूसरा प्रोडक्ट रिडक्शन बनता है। ऐसा हुआ कैसे ये आपने देखा, और ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ ये स्टेप स्टूडेंट्स इसका क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसके बाद हमने एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने क्रॉस कैनिज़ारो भी किया। क्रॉस कैनिज़ारो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दोनों मॉलिक्यूल्स जो कैनिज़ारो करते हैं दे आर डिफरेंट, अगर वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारो। सो दिस वॉज कैनिज़ारो रिएक्शन स्टूडेंट्स।